तस्वीरों में से शेड टपक रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी वायरल हो रही है वो वीडियो और बताया जा रहा है कि वो तस्वीर में से शहद निकल रहा है। नहीं, वो एक गुरुजी है जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीरों से शहद आ रहा है। गुरुजी जीते जी भी शहद बांटा करते थे। अच्छा, अब शहद मधुमक्खी नहीं देती, तस्वीरें देने लग गई है, एक बात। और फिर अगर तस्वीरें दे रही है तो सारा डाबर वाले तो उन्हीं की पूर्ति हो जाएगी, डाबर वालों की पूर्ति हो जाएगी, तो शहद को अब बोतल में। अच्छा, और एक बात, अगर तस्वीर से शहद टपक रहा है वो भी गुरुजी की से, तो शहद मधुमक्खियों से भी अच्छा होगा। तो अब क्या होगा, शहद की क्वालिटी, एक तो सुधार आ गया शहद की क्वालिटी में, और जो है ना मेडिकल वालों को अगर उस शहद को दिया जाए तो हो सकता है शहद खाने से भव रोग मिट जाए, शहद खाने से सारे रोग मिट जाए। शरीर की मलिनता, मन की मलिनता कदापि नहीं जाती। कितनी तस्वीरों से शहद, कितनी ही तस्वीरों से विभूति टपके, कुछ नहीं होने वाला इससे। अगर शहद टपक रहा है गुरु जी के उससे, तो गुरु जी एक एक परिवार के पितरों को निकाल के दिखा दे। जितने लोग जा रहे हैं एक्चुअली में मेरे पास, उन गुरुजी के बहुत सारे शिष्य आते हैं, वो दुखी हैं, कष्ट में हैं, वो गुरुजी के यहाँ जाते तो है, गुरुजी उनको अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि देखने में वो महात्मा बड़ा ही सुंदर लगता है। ठीक है, मतलब बाल नहीं है, और भी सुंदर लगते हैं, है ना, ऐसे लगते हैं जैसे देवता ही हो। ठीक है, देखने में ऐसे लगते हैं। और मैंने सुना है कि उनका जीवंत भी ऐसा था कि भगवान शिव की भक्ति करते थे, और दूसरा हमेशा जो है ना मुख हसमुख रहता था इससे। लेकिन जब शहद टपकने की बातें आती है तो मैं इन सबको निराधार मानता हूँ, टपकता भी हो एक बात से, लेकिन उन बातों को नकारना चाहिए। ये समाज के लिए दूषित बातें हैं, अच्छी बातें हैं नहीं, और ये पढ़े लिखों की तकरीबन बेवकूफ़ी है। और वहाँ तकरीबन पढ़े लिखे ही जाते हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, उनका एक प्रेत नहीं कटता, मैं तो ये मानता हूँ, उनका इससे पितृ दोष नहीं कटता, उनकी मलिन की मलिनता नहीं कटती, वो कितना ही नाम ले। एक, जितने भक्त जाते हैं आप उनको ये कह दो कि गुरुजी के चेहरे को 2 मिनट तक लगातार देखो, उनमें से करोड़ों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इतनी तगड़ी धारणा कर पाए कि गुरुजी को 2 मिनट तक आंखों से ओझल नहीं होने दे अंतर्मन से, एक भी नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के देता हूँ, एक भी नहीं है। वो उन 2 मिनट के अंदर जो है सारे के सारे उनकी धारणा अस्त व्यस्त हो जाएगी। जब धारणा नहीं पकती, किसी का ध्यान क्या पकेगा, और समाधि में कोई कैसे जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि आत्मदर्शन लाखों करोड़ों में से किसी एक को होता है, उसको भी भगवान चुन लेते हैं, उसको भी ऐसे होता है, ठीक है ना, और उससे उतनी ऊर्जा प्राप्त करा लेते हैं, यानी कि उससे उतना तप करा लेती हैं वो शक्तियाँ, जो ऐसे होता है। लेकिन आजकल तो भाई किसी को प्रेत है वही कह देता है, जी मुझे रात में बाबा जी आए थे और काली माता ये खड़ी थी, मुझे ये कह रही थी, मुझे वो कह रही थी। मेरे पास ही ठीक होने वाले लोग आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी रात को तो बाबा मोहन राम मेरे सराहने खड़े थे। और भाई क्या कर रहे थे तेरे सराहने खड़े होके, सही ठीक है कि नहीं, मैं उनसे पूछूं। कोई कहे जी शनिदेव महाराज आ गए थे मेरे पास साक्षात, अरे भाई तो प्रेत बाधा काहे की रह गई, देव दर्शन होने के बाद ऐसे रह गया, फिर ऐसे दुख और कष्ट कैसे रह गया। हाँ जी, बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव है भाई।